नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आप ये सामने देख रहे होंगे, ये बाग लगाया हुआ है हमने 2 किलो में और ये 2 महीने का लगा हुआ हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि प्लांटेशन किए हुए 2 महीने हो गए हैं। तो अब पौधे कैसे चले हुए हैं, क्या हालचाल है पौधों का, कितनी बढ़वार हुई, कितने पौधों पे फल और फूल आए हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। और कितनी तरह के पौधे हैं, कौन सी वैरायटी हमने लगाई है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करते हैं पपीते से। ये पपीता का पौधा है, ये 10 पौधे टोटल लगाए हैं हमने। ये थोड़ी क्वांटिटी में लगाए हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर ये अच्छे चल गए तो हम इनको आगे और ज़्यादा लगा देंगे, ज़्यादा जगह में लगा देंगे। अगर अच्छे नहीं चले तो हम इनको काटा मार देंगे। 1 फीट का लगभग ये पौधा है। जब से हमने लगाया है ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं हुआ है, बस ये छोटे छोटे आप ये देख रहे होंगे ना, नए पत्ते स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए, और इस पे ये नई पत्तियाँ ऊपर और बड़ी स्टार्ट हो गई हैं। कुल मिला के ये अच्छे चले हुए हैं। पौधे जामुन के लगाए हैं, ये हाइब्रिड जामुन है, वैरायटी मुझे पता नहीं, बस यही बोला था कि वही हाइब्रिड है। ये भी ठीक ठाक चले हुए हैं, 10 पौधे एक भी नहीं मरा, सारे ओके हैं। 4-5 फीट का ये पौधा है, लगभग ठीक चला हुआ है। ये था ये एप्पल का बाग है, 2 महीने का हमने खेत में लगाए हुए हो गए हैं। ये पौधा 2 महीने का है, जब वहाँ से लेके आए थे नर्सरी से, नर्सरी में ये पौधा 4-5 महीने का था, 2 महीने ये हो गए, तो कुल मिला के 6 महीने का पौधा है ये। इस पे ये देखिए आप, ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है, 1 फीट का होगा, और इस पे पूरे पे बगर आ गया है। बगर का मतलब बेर लगने की तैयारी हो गई है। तो बुरे पौधे नहीं है, पौधों की क्वालिटी अच्छी है। ये यहाँ पे आम के पेड़ लगाए हैं, 20 पेड़ हैं ये आम के, इनकी दूरी हमने रखी है 20x20। अब ये बढ़वार इनकी अच्छी है, थोड़े बहुत एक एक करके पौधे भी है, ये नए पत्ते भी आ गए हैं इन पे, ये पौधे भी अच्छे ही हैं कुल मिला के। ये है जी आंवला, आंवला के भी 20 पौधे लगाए थे हमने। ये वैसा ही खड़ा है जैसा हम लेके आए थे। ये 3-4 पौधे यहाँ पे हैं, 10-12-15 ये जितने बच गए ये इस एक लाइन में हैं इनकी। ये 10x16 फीट पे लगाए हैं ये। अब स्टार्ट हो जाते हैं अमरूद। अमरूद भी यही है, 6-1 महीने का पौधा है ये। इन पे कहीं कहीं ये देखेंगे कि आप नए पौधे क्या बोलते हैं इनको, नई पत्तियाँ तो निकलनी स्टार्ट हो गई हैं अब। और ये देखिए जी नीचे वाले पे तो अमरूद भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मतलब हमें पौधा जो मिला है वो अच्छी क्वालिटी का ही मिला है। ये देखिए अमरूद के 60 पौधे हैं टोटल, ये भी हमने लगाए हैं 12x15 पे हैं ये। पौधे से पौधे की दूरी 12 और लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट। और ये यहाँ पे आते हैं जी सेब के पौधे, 10 पौधे लगाए थे सेब के, 8 सूख गए हैं, उनमें से 2 बचे हुए हैं, उस 2 में से ये है एक पौधा, होगा 3-1 फुट का, लेकिन बस पत्तियाँ नहीं आई हैं और इसमें अभी कोई फर्क देखने को नहीं मिला है। बाकी चलो 2 पौधे भी बुरे नहीं हैं। यहाँ पे आते हैं ये किन्नू के पौधे हैं, किन्नू के 10 पौधे थे, 10 के 10 अभी चले हुए हैं, कोई मरा नहीं इनमें से, लेकिन इनमें कोई फर्क देखने को नहीं मिला, ना नई पत्तियाँ आई, छोटी बहुत एक आधी कोई नई पत्तियाँ आई है नहीं, तो वैसा का वैसा खड़ा है ये। पता नहीं इनकी बढ़वार होगी नहीं होगी, कब होगी। ये मौसमी का पौधा है, ये बस एक आधी नई पत्तियाँ चली हैं नहीं, तो ये ऐसा का ये ऐसा खड़ा है, 2-1 फीट का पौधा है ये। ये 20 पौधे थे, एक लाइन में लगा रखे हैं वहाँ तक, सारे ऐसे के ही ऐसे हैं। नींबू है ये पौधा, ये नींबू का पौधा है, 1 फीट का होगा है मुश्किल से, और सारा ही 5-6 महीने का पौधा है, और इसके ऊपर ये देखिए फल आ गया है इस पर। ये सभी पे लगे हुए हैं 5-5, 7-7 नींबू सभी पेड़ पे लगे हुए हैं। ये देखिए जैसे ये 2 छोटे छोटे ये हो गए और ये हो गया। नींबू बहुत ही अच्छा लगा, ना ही हमने इसमें कोई ज़्यादा अभी तक कोई खोदी निकाली, ना ही कुछ और, ना ही कोई दवाइयाँ डाली। ये देखिए इस ये छोटा सा पौधा है और इस पर 10-12 नींबू देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए इधर ये छोटे छोटे, ये देखिए कितना इसके ऊपर
ये देखिए कितना इस पे नया जो बोलते हैं कि फूल आने लग गए हैं। तो कुल मिला के पूरा बाग ठीक चल रहा है अभी तक। 10-15 एक पौधे लगाए थे चीकू के। चीकू में ये है कि 8-7 तो सूख गए हमारे, कोई पानी की कमी से सूख गया, कोई वैसे दीमक ने खा लिया। दीमक की बहुत ज़्यादा शिकायत है यहाँ पे। ये भी 6-7 महीने का पौधा है और इस पे जैसे नई ये कुप्पड़ निकल रही है ना, यहीं पे इसके वो लगा था, फल लगा था 1 महीने के पहले। उस टाइम पे वो अपने आप गर्मी से वो जड़ गया था सारा, जलने लग गए थे वो सभी। तो मतलब एक फल तो इसके लग के टूट चुका है इसका। ये भी कुल मिला के अच्छा है। हमने अंगूर की बेल लगाई थी 10 यहाँ से, ये आप देख लीजिए बादिया, मतलब ये है कि यहाँ पे एक भी बेल नहीं चली, सभी की सभी सूख गई। कोई दीमक ने खा ली, कोई वैसे सूख गई, पता नहीं क्यों सूख गई, लेकिन 10 की 10 खराब हो गई है। ये का पौधा है, 20 पौधे लगाए थे आड़ू के, वैरायटी मुझे ध्यान नहीं है ये कौन सी है। 20 में से 10 तो सूख गए हैं और ये 10-1 बचे हुए हैं बस। कोई ज़्यादा खास इनकी बढ़वार नहीं हुई है, बस नॉर्मल सी पत्तियाँ एक आधी कोई छोटी मोटी अगर आई हैं तो आई हैं, नहीं तो ऐसे ही खड़े हैं ये। ज़्यादा तो दीमक ने खा लिए, कुछ वैसे सूख गए, सूखे हुए का ये एक एग्जांपल। ये अगर ये दीमक ने खाया हुआ होता ना तो ये ऐसे उखड़ जाता। ये देखिए उखड़ गया, ये मतलब ये दीमक ने ही खा लिया। ये तो दीमक का बहुत ही नुकसान है, हमने दवाई भी डाली लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। दवाई डालने का वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका लिंक वहाँ से आप देख सकते हैं। पौधा है ये सिंदूरी वेराइटी का है। अब इसमें नई पत्तियाँ और नई टहनियाँ भी आनी स्टार्ट हो गई हैं। ये 50 पौधे हमने लगाए थे, 50 में से 30 सूख चुके हैं, 20 बचे हुए हैं मैक्सिमम। और ये सूख जाते हैं, पता नहीं ये दीमक की वजह से हैं कि क्या है। ये देखिए, अगर ये दीमक ने खाया हुआ था तो ये खींचने से ऊपर आ जाता, जैसे कि आड़ू का आ गया था। इनमें पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, पानी तो हम देते रहते इनमें। ये देखिए मैक्सिमम 1 इंच नीचे ही अच्छी जो है ना नमी आ जाती है। ये देखिए, ये देखो इसका पता नहीं ये प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों सूख जाता। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट क्या करना है भाई, ये तो दीमक ने ही खा लिया। ये देखिए दीमक की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बेलगिरी का पौधा है, इसके हमने 10 पौधे लगाए हैं। ये इतना सा ही लेके आए थे, तब का इतना ही है ये। आगे बहुत ही कम बढ़वार हुई है इसकी, नई पत्तियाँ भी बहुत ही कम आई हुई हैं। कोई ज़्यादा खास ये मैक्सिमम ये आप अगर देख रहे होंगे तो ये एक बलान जितना भी नहीं है, मतलब कि 6 इंच का ही है मैक्सिमम बस, तब का ऐसा ही खड़ा है ये। हमने कटल के लगाए थे, वैरायटी मुझे इनकी पता नहीं, लेकिन ये कुल मिला के ठीक है, नई पत्तियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। 1 से 1.5 फीट का ये पौधा है। ये जो बाग देख रहे हैं ना आप, ये 2 एकड़ में लगा है टोटल। अलग अलग पौधे मैंने अभी आपको दिखाई दिए थे और इसमें ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है हमने। अब ये इस धरती को रोटावेटर से बहा दिया गया है, अब इसमें लगाएंगे सब्जियाँ। 4 तरह के सब्जियाँ लगाएंगे, एक होंगे टमाटर और शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी। इन 2 किलो का बीज हमने ले लिया है। बाकी आप उधर देख रहे होंगे ना, ये 1 किला है उधर, जहाँ पे खम्भे दिख रहे हैं ना वहाँ पे, वो उसमें कुछ नहीं लगाया है, मतलब बाग बुक कुछ नहीं लगाया, खाली है। उसमें भी देखते हैं कुछ ना कुछ लगाएंगे, या तो यही बीज और ले आएंगे एक्स्ट्रा। ये पूरे 3 किले में सब्जी लगाने का प्रोग्राम अब की बार। ड्रिप सिस्टम हमारे पास है ही। और ये एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे, ये आप केला देख रहे होंगे, 10 लगाई थी केला, 10 की 10 अच्छी चली हुई है। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पौधे लाने का हमारा मेन मकसद था, जो अच्छे पौधे चल जाएंगे ना उन्हीं को हम आगे बढ़ा देंगे। जैसे आम है, आम ठीक चल गया तो आगे और ले आएंगे, आंवला ठीक चल गया तो और बढ़ा देंगे, हमें इन पे डाउट था। जैसे अंगूर की बेल 10 लेके आए थे, डाउट था हमें अच्छी चलेंगी या नहीं चलेंगी। 10 की 10 मर गई तो हम रिस्क नहीं लेंगे, अभी एक पौधे का भी रिस्क नहीं लेंगे।
अमरुद का भी ऐसा ही है, 50 पौधे लेके आए थे, अच्छे चल गए हैं, 10-12 तो खराब हुए हैं उसमें से भी, लेकिन कुल मिला के सारे ही अच्छे थे। तो हम आगे इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, जो एक किला उधर बच गया ना खाली, उसमें भी हम बाग ही लगाएंगे। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देंगे। पूरे खेत में हमने आपको घुमा दिया। ये थाई एप्पल है जो इसके 400 पौधे लगाए हैं हमने, 10x10 पे पौधे लगाए हैं, 10x12 पे, 10x10 पे ये पौधे से पौधा, और लाइन की दूरी है 10x12 फिट। थाई एप्पल के पौधा बहुत ही नरम होता है, ये गिर जाता है। इसको सपोर्ट देने के लिए हमने किए लोहे का पतला तार लिया है, ये काफ़ी मजबूत है वैसे तो, और इसके सहारे पे ये बांध दिया हमने, तो ये अब खड़ा है पौधा इसके साथ अच्छे से, नीचे नहीं गिरेगा अभी ये पूरे में। ऐसे ही देखिए, ये कम से कम 4 फीट का पौधा है ये, वैसे तो ये गिर जाता लेकिन इसके सहारे ये अच्छे से खड़ा है, और इस पर अब फल लग जाएगा कुछ ही टाइम में। ये देखिए, आप इस पर देख भी रहे होंगे कि इस पर बगर आ गया है, पूरे पौधे पर आ गया, ये देखिए नीचे तक आया हुआ है। 6-7-8 महीने का पौधा है ये, एक नंबर का फल देगा इस बार, ज़्यादा नहीं तो 3-3-4-4 किलो तो सभी में से उतर ही आएगा। जब तक हमारी ड्रिप सिस्टम चालू नहीं हुई थी तब तक हमने इस नोजल से पानी दिया था। ये 8 फीट ऊंची है, एक तरफ ये 80 फीट तक दूर पानी फेंकती है, तो लगभग 1.25 किला एक बार में कवर हो जाता है इससे। इसी ने हमारे बाग को बचाए रखा था अब तक। अब ये ड्रिप सिस्टम चालू हो गया है, अब ड्रिप से पानी लगाएंगे। ड्रिप का एक अलग से पूरा वीडियो बना के देंगे आपको।